आदाब हैदराबाद। दूरदर्शन केंद्र यादगिरी के उर्दू प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर जावेद कमाल। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक मिजाहिया मुशायरे की महफिल सजाई है जिसमें अजला और हैदराबाद के नुमाइंदा शोरा शिरकत कर रहे हैं, जो अपने मिजाहिया कलाम से आप तमाम को खैखे लगाने पर मजबूर कर देंगे। तो इससे पहले कि मुशायरे की शुरुआत हो, मैं चाहूँगा कि हमारे शोरा का तारुफ आपसे करवा दूँ। मेरी दाएं जानिब आखिर में जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरी सीधी जानिब वहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोइन अमर बम्बू साहब, और आप हैं जनाब वहीद पाशा खादरी साहब, और इन दोनों के दरमियान तशरीफ़ फरमा है निज़ामाबाद से तशरीफ़ लाए जनाब शेख अहमद ज़िया साहब, और मेरे पहलू में विराजमान हैं जनाब फरीद सहर साहब। मुशायरे की शुरुआत करते हैं फरीद सहर साहब के इस शेर से। धूम महफिल में बहुत आज मचाना है मुझे, धूम महफिल में बहुत आज मचाना है मुझे, शेर उस्ताद के अब डट के सुनाना है मुझे। तो लीजिए आज की इस महफिल के सबसे नौजवान और सेहतमंद शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ को धूम मचाने के लिए मधु करना चाहूँगा। नाम लतीफ़ुद्दीन, तखल्लुस लतीफ़, और शायरी भी लतीफ़ ही करते हैं, कसीफ़ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सीधे साधे अल्फाज में बहुत गहरी और मौसर बातें कह जाते हैं। तंज़ो मिज़ा के अच्छे शायर हैं, दखनी में भी कलाम कहते हैं। हैदराबाद में मुनक़द होने वाली अदबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और मुशायरों अदबी तकारीब की खूबसूरत अंदाज में बड़े सलीके से निज़ामत भी फरमाते हैं। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने ही घर में जुल्म व सितम का शिकार है। वो खुद कहते हैं, सर पो वो मार मार के टकला करी मिंजे, सर पो वो मार मार के टकला करी मिंजे, चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मिंजे। अब क्या बताऊं आपको क्या क्या करी मिंजे, उसकी ही कान बहरी ने बहरा करी मिंजे। नाजरीन, अब आगे का दुखड़ा आप इन्हीं से सुनिए। मेरी मुराद है जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब। बेहद शुक्रिया। चार मिसरे शुरुआत करता हूँ कि पेश करता हूँ सबकी खिदमत में, पेश करता हूँ सबकी खिदमत में जो भी गज़लें मिली विरासत में। पेश करता हूँ सबकी खिदमत में जो भी गज़लें मिली विरासत में, हम लुटेरे कहाँ जो लूटेंगे, हम लुटेरे कहाँ जो लूटेंगे, दाद मिल जाए बस सखावत में। दाद मिल जाए बस सखावत में। बेहद शुक्रिया। आइए एक मतला, एक शेर। वो पकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, वो बकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, ना तो मिर्ची हल्दी नमक ना तो बोझवार होता। अरे आप लाके देंगे तो होगा ना भाई, बोझवार नहीं लाए तो होगा। वाह वाह। वो पकाती जो भी सालन बड़ा दागदार होता, ना तो मिर्ची हल्दी नमक ना तो बोझवार होता, ना तो मिर्ची हल्दी नमक ना तो बोझवार होता। माशाल्लाह, उसके बावजूद भी सेहत अच्छी है आपकी। उन्हें शौक चूसने का है अंगोटा आज तक भी। उन्हें शौक चूसने का है अंगोटा आज तक भी, ना वो लाली पॉप होता ना वो चाकोबार होता। ना वो चाकोबार होता, ना वो लाली पॉप होता, ना वो चाकोबार होता। इस वास्ते ही पास मेरे मालो जर नहीं, इस वास्ते ही पास मेरे मालो जर नहीं, रोडी नहीं हूँ मैं कोई फाइनेंसर नहीं। रोडी नहीं हूँ मैं कोई फाइनेंसर नहीं। मोटी दुल्हन को देख के दूल्हे ने ये कहा,
मोटी दुल्हन को देख के दूल्हे ने ये कहा, मांगी थी कार मारुति अंबासडर नहीं। मांगी थी कार मारुति अंबासडर नहीं। मांगी थी कार मारुति अंबासडर नहीं। फिक्की वो चाय देती है खाना नमक बगैर। फिक्की वो चाय देती है। मैं शुरू में बोला ना आपको जुल्म सितम का शिकार है आपको बोल दिया। माशाल्लाह। फिक्की वो चाय देती है खाना नमक बगैर। हालांकि मुझे दोस्तों बीपी शुगर नहीं। हालांकि मुझे दोस्तों बीपी शुगर नहीं। हालांकि मुझे दोस्तों बीपी शुगर नहीं। ये चार मिसरे ये सोच करके मैंने की थी चार शादियां। ये सोच करके मैंने की थी चार शादियां। मारेंगी दो तो बचाएंगी बीवियां। अरे क्या बात है। मारेंगी दो तो बचाएंगी बीवियां। लेकिन प्लान मेरा तो चौपट ही हो गया। लेकिन प्लान मेरा तो चौपट ही हो गया। दो मारती है लाता तो दो देती गाली। अरे वाह। दो मारती है लाता तो मोहन भाई सुधर जाइए, इरादा कैंसिल कर दिया। दो मारती है लाता तो दो देती गालियां। आइए खुद को नजरों में तेरी रखा हूँ ऊंचा करके। कभी बर्तन कभी झाड़ू कभी पोछा करके। सारे लोग कर रहे हैं आप। कभी बर्तन कभी झाड़ू कभी पोछा करके। जिसको रखा था सदा आंख का तारा करके। अच्छा। जिसको रखा था सदा आंख का तारा करके। फोड़कर आंख मेरी छोड़ा है कंडा करके। अरे वाह। फोड़कर आंख मेरी छोड़ा है कंडा करके। फोड़कर आंख मेरी छोड़ा है कंडा करके। बैठ जाता है गला उसका पुकारा करके। बैठ जाता है गला उसका पुकारा करके। फिर से हो जाती है तैयार गरारा करके। अरे वाह। अच्छा है, अच्छा है। गरारे का जवाब नहीं मिला। गरारा करके तो जवाब नहीं। विश्व बिरयानी की करते तो हैं आगे मेरे। खींच कर बोटियां पल भर में बगारा करके। अच्छा है भाई। खींच कर बोटियां पल भर में बगारा करके। है नवाज है तो अभी तक भी तुम्हारे। लेकिन हैट्रिक कर दी है नाना ने सलासा करके। हैट्रिक कर ली है नाना ने सलासा करके। हैट्रिक कर ली है नाना है नवासे तो अभी तक भी कुंवारे। लेकिन हैट्रिक कर दी है नाना ने सलासा करके। हैट्रिक कर दी है नाना ने सलासा करके। मखता है कि मुफलिसी में भी नहीं रुकता कोई काम लतीफ। मुफलिसी में भी नहीं रुकता कोई काम लतीफ। छठी छिल्ला भी वो कर लेता है चंदा करके। चंदा करके। मुफलिसी में भी नहीं रुकता कोई काम लतीफ। छठी छिल्ला भी वो कर लेता है चंदा करके। छठी छिल्ला भी वो कर लेता है चंदा करके। ये गजल का मतलब। रहे बाप बूढ़ा घर में नहीं बेटे को गवारा। क्या बात है। रहे बाप बूढ़ा घर में नहीं बेटे को गवारा। उसे कुत्ता घर का लेकिन दिलो जान से है प्यारा। अच्छा है। वाह। उसे कुत्ता घर का लेकिन दिलो जान से है प्यारा। मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा। क्या बात है। मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा। तभी हो गया इशारा मेरी पाकिट उसने मारा। तभी हो गया इशारा मेरी पाकिट उसने मारा। मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा। तभी हो गया इशारा मेरी पाकिट उसने मारा। क्या बात है। तभी हो गया इशारा मेरी पाकिट उसने मारा। ये शेर देखिएगा। हुआ ही नहीं है घर में कभी नाश्ता हमारा। हुआ ही नहीं है घर में कभी नाश्ता हमारा। कभी इडली डोसा पूरी कभी खाया पुल्लिहारा। कभी भाई का भी यही हाल है। उन्हीं के लिए बता। वाह 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 वाह। हुआ ही नहीं है घर में कभी नाश्ता हमारा। कभी इडली डोसा पूरी कभी खाया पुल्लिहारा।
कभी इडली डोसा पूरी कभी खाया फुल्लिहारा, ये भी मोइन भाई की तरफ है। न खिलाया मुझको बिस्किट न खिलाया मुझको खारा, न खिलाया मुझको बिस्किट न खिलाया मुझको खारा, वो पिला के आधी चाय लिया काम घर का सारा, वो पिला के आधी चाय लिया काम घर का सारा, वो पिला के आधी चाय लिया काम घर का सारा, वो कराटे की है माहिर उस मुक्का ऐसे मारा, वो कराटे की है माहिर मुझे मुक्का ऐसा मारा, हुए होश गुम जो मुंह से उठा खून का फुवारा, हुए होश गुम जो मुंह से उठा खून बराबर का फुवारा, हुए होश गुम जो मुंह से उठा खून का फुवारा, गिरा गाड़ी से फिसल कर मैं सड़क पे तब भयानक, अच्छा गिरा गाड़ी से फिसल कर मैं सड़क पे तब भयानक, सर राह जब किसी ने मुझे दफतन पुकारा, सर राह जब किसी ने मुझे दफतन पूरा पुकारा, आखिरी शेर, जिसे घर में ला बसाया हुआ कब्जा अब उसी का, अरे वाह, जिसे घर में ला बसाया हुआ कब्जा अब उसी का, यही सोच सोच कर ही बीपी बढ़ गया हमारा, यही सोच सोच कर ही बीपी बढ़ गया हमारा, मुझे बग्गी में से साला लेके गोद में उतारा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब। नाजरीन, अब मैं हैदराबाद के एक और तंज़ो मिज़ाह के मुमताज़ शायर डॉक्टर मोइन अमर बम्बू को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में मुनक़द होने वाले मुशायरों में अपने मिज़ाहिया कलाम से धूम मचाते रहे हैं। आपको दुबई और आयरलैंड में भी मुशायरे पढ़ने का एज़ाज़ हासिल है। आप शेरी मजमे बम्बू बाज़ार और कहकहों के पार्सल के शायर हैं, और एक सफ़रनामा बम्बू आयरलैंड में भी आपने तहरीर फरमाया है। हालांकि बढ़ती उम्र ने उनके जिस्म के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं, लेकिन ये खुद को अभी भी जवान समझते हैं। अपने आप को जुमेरात बाजार से तशबीह देते हैं, कहते हैं हंसो मत नौजवानों अब भी मेरी आन बाकी है, हंसो मत जवानों अब भी मेरी आन बाकी है, रवानी खून में है हड्डियों में जान बाकी है, हजारों कॉम्प्लेक्स और मार्केट्स बन गए तो क्या, हजारों कॉम्प्लेक्स और मार्केट्स बन गए तो क्या, जुमेरात के बाजार की अब भी देखो शान बाकी है। जुमेरात बाजार का अगर आपको मुशाहिदा करना है तो आइए, हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर मोइन अमर बम्बू साहब। आजकल हर चौरस्ते पे हेलमेट के लिए पकड़ा जा रहा है जी। तो नौजवान कैसा फिसल जाते हैं जरा गौर से सुनिए। हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नज़रों से फिसल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नज़रों से फिसल जाते हैं लोग, लाजमी हेलमेट भी है जब से बम्बू क्या करें, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते हैं लोग। चिकनी हंडी पे कलर के पैसे बचाने का, से बचने का, परमानेंट हेलमेट है वो, बाल आगे मगर आपके। आजकल नौजवान बच्चे, हर मर्द बच्चा यही चाहता कि भाई मेरी बीवी गोरी होना, लंबे बाल होना, ये होना, तो उसके ताल्लुक से एक चार लाइन। जायज अच्छा लाना, जायज में माल अच्छा लाना, पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना, क्या कह, सही है, पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना, ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो
मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना, ट्यूबलाइट सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना, खुदरत से जोड़ा बनता है बंबू मियां, सच है, लेकिन गोरे गोरे सब चुन लिए तो पीले काले कहाँ जाना। अच्छा तंज, अच्छा तंज साहब, मौजूदा हालात ये कौर चव्वा साहब, ये मॉडर्न है इश्क मगर मुंह नहीं मोड़ा। अच्छा, ये मॉडर्न है इश्क मगर मुंह नहीं मोड़ा, टूटी है सांस बंबू तो रिश्ता नहीं तोड़ा। वाह अच्छी बात, गुजरा जनाजा उसकी गली से तो बोली सास, मर के भी मेरी बच्ची का पीछा नहीं छोड़ा। क्या बात है, बहुत वाह वाह वाह। अभी हमारे भाई साहब मोटे के तालुक से बोल रहे थे जी। तो एक और, माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए। अच्छा, माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, लाई जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए। अच्छा, मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं अब, विस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिए। क्या आपके भी हालात कुछ अलग नहीं है, मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। जी हाँ जी, दोनों जुल्म का शिकार हैं, जुल्म सितम का शिकार हैं दोनों। अल्लाह खैर। अगदे सानी के ताल्लुक से जी इरशाद, अगदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, अगदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजमून पुराना लग रहा है, था लिफाफा नया मजमून पुराना लग रहा है, घूंघट उठते मेरे दीदे निकल गए बंबू, घूंघट उठते मेरे दीदे निकल गए बंबू, टाप नब्बे था मगर रिक्शा पुराना लग रहा है। अरे अरे, टाप नब्बे था, उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती। लतीफ भाई जरा प्यारे आप, आहिस्ता आहिस्ता, उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती, घटा छात हो जाती है बारिश नहीं होती, बुढ़ापे में क्यों ब्यूटी पार्लर को जा रहे हैं, प्लास्टिक की चप्पल को पॉलिश नहीं होती। सही बात है, वाह वाह। ये हादसा किस तरह हुआ सोच रहा हूँ, ये हादसा किस तरह हुआ सोच रहा हूँ, हैरत से मैं बिस्तर पे पड़ा सोच रहा हूँ, बीवी पे नजर डाल कर जब सास को देखा, कीचड़ में कमल कैसे खिला सोच रहा। अरे वाह वाह। मियां एक अंदर की बात, परसों मुझे एक लड़की मिली थी। अच्छा, ख्वाब में? हाँ, ख्वाब में नहीं मिल सकती। अब ख्वाब में मिलना। परसों मुझे एक लड़की मिली थी, बोली आबिश तक छोड़ दो। अच्छा, क्या बोली? आबिश तक छोड़ दो, ले को जा रहा था साला देखा, लेकिन साला शक नहीं करता। क्यों को? मुझसे ही तुम कई को मंगे लिफ्ट, पूछा तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं करता। क्या बात है, इसीलिए लेके फिरते रहते आप, देखते रहते लोगों को। पुख्ता उम्र की बीवी है, शौहर बिल्कुल लौंडा लग रहा है। पुख्ता उम्र की बीवी है, शौहर बिल्कुल लौंडा लग रहा है, देखने को है जोड़ा लेकिन जोड़ा बेजोड़ा लग रहा है। महफिल में वो दोनों बैठे बंबू को ऐसा लग रहा है, बिरयानी के देख के बाजू मीठे का चमचा लग रहा है। क्या बात, ये आजकल सुबह से आज एक बुरखा मेरी तलाश में है। अच्छा, सुबह से आज एक बुरखा मेरी तलाश में है, हसीन चांद सा चेहरा मेरी तलाश में है। अच्छा, हसीन चांद सा चेहरा मेरी तलाश में है, जो मेरी वेस्पा की टक्कर से मर गया बंबू, उसी मरहूम की बेवा मेरी तलाश में है। क्या बात है, गलत रस्तों पर जाको पुट्टे और पुट्टियां भटक जा रही हैं, गलत रस्तों पर जाको पुट्टे और पुट्टियां भटक जा रहे हैं, बुढ़ापा देखते हैं कि नहीं जवानी में चिपक जा रहे हैं, बुढ़ापा देखते हैं कि नहीं जवानी में चिपक जा रहे हैं, जवां हो जा रहे हैं 10-11 बरस में, देख को स्मार्टफोन,
जो मेवे झाड़ पर पकते थे अब भट्टी में पक जा रहे हैं, अब भट्टी में पक जा रहे हैं। अच्छा तन से मियाँ एक आपके ताल्लुक से जी, लतीफ भाई मुलाकात करता है लाड़ो प्यार उसे बात बात में। अच्छा करता है लाड़ो प्यार उसे बात बात में, दुल्हन को अपनी रखता है दिन रात साथ में, शादी के दिन से पुट्टा यूं कमरे में बंद है, आईना जैसे आ गया बंदर के हाथ में, आईना जैसे पूरे आपके वक्त का बोले ये। हुआ अफसोस मुझे क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के धोखे में, मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सच कर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में। सदमे जो गुजरते हैं जमाने से छुपाना जी, सदमे जो गुजरते हैं जमाने से छुपाना, हर रास कभी गैर को बम्बू हरगिज ना बताना, हर रास कभी गैर को बम्बू हरगिज ना बताना, रोना है तो बरसात में जी खोल कर रो ले, रोना है तो बरसात में जी खोल कर रो ले, ताकि तेरे अश्कों को देखे ना जमाना, जमाना। एक कुत्तों के ताल्लुक से एक दो लाइन जी, नहीं छींक भी आए तो आखिरी है ये बेटे का छींक, हमेशा कुत्ता जमीन पे पेशाब नहीं करता, इधर उधर कर देता, तो उसकी क्या वजह है जरा गौर से सुनिए। पूछी वजह दीवार है क्यों तुझको पसंदीदा, पूछी वजह दीवार है क्यों तुझको पसंदीदा, कुत्ते ने कहा खौफ मेरे दिल में है जिंदा, इस वास्ते जमीन को मैं करता नहीं गंदा, सजदे में सर को रखता है अल्लाह का बंदा, सजदे में सर को। छींक भी आए तो सुनो मुझे। और आधी रात को भोंकना शुरू करता हूँ, उसकी वजह क्या है जी, नहीं वो नहीं लगा। बख्शी है शब खुदा ने राहत के वास्ते, बख्शी है शब खुदा ने राहत के वास्ते, पर आखिरी पहर है इताअत के वास्ते। कुत्ते के भौंकने का सबब बेसबब नहीं, तुझको जगा रहा है इबादत के वास्ते, तुझको जगा रहा है इबादत के वास्ते। एक आखिरी छींक भी आए तो ये आजकल नौजवान बच्चे शादी होने के साथ ही माँ बाप को झिड़कियां देना शुरू कर देते हैं, आजकल अलमिया बयान कर रहे हैं आप जी। इरशाद, इरशाद। छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी। जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ दे, ये थे डॉक्टर मोइन अमर बम्बू साहब, जो अपने तंजो मिजाज से भरपूर चौकों से हमें महसूस फरमा रहे थे। नाजरीन, वहीद पाशा खादरी एक ऐसा नाम जो अपनी तंजो मिजाज से भरपूर शायरी और अपने खूबसूरत तरन्नुम के लिए हैदराबाद से लेकर अरब मुल्कों तक शोहरत रखता है। मिजाहिया मुशायरा कहीं भी हो, हैदराबाद में हो, चाहे मुल्क के किसी रियासत में हो या बैरून मुल्क, वहीद पाशा खादरी की शिरकत लाजमी तस्वर की जाती है। तंज़ो मिज़ाह और खूबसूरत तरन्नुम का हसीन इम्तिजाज इनकी शायरी की पहचान है, और ये इतने अच्छे रहमदिल शख्सियत के मालिक हैं कि एक मच्छर को भी मारना गुनाह समझते हैं। मच्छर को क्यों नहीं मारते, इस बारे में उनका कहना है, मच्छर ने हमको काटा यह उसका जुनून था, मच्छर ने हमको काटा यह उसका जुनून था, हमने खुजा लिया यह हमारा सुकून था, हम चाह कर भी इसको सजा दे नहीं सके उसकी रगों में, क्योंकि हमारा ही खून था। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं तरन्नुम के शायर जनाब वहीद पाशा खादरी से। शुक्रिया जाहिद भाई। सबसे पहले एक गज़ल के चंद शेर समाप्त कीजिएगा, कि गरीब बाप हूँ
अच्छा बेटी मेरी कुमारी है। अच्छा क्या बात, गरीब बाप हूँ बेटी मेरी कुमारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है। शेर समाप्त कीजिएगा कि पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी, डबल सवारी का जवाब, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है। मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, अरे वाह, मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है, जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है, अच्छा है। मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, सफारी मुझे कमांडो कहते हैं लोग बीवी का, जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है। ये शेर देखिएगा कि मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायरे आजम, मैं बन ही जाऊंगा एक रोज, हमारी दुआएं आपके साथ, मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायरे आजम, अभी तो शेर चुराने की मश्क जारी है, मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम, अभी तो शेर चुराने की मश्क जारी है। वहीद कौन कमाऊ है देखना इनमें, वहीद कौन कमाऊ है देखना इनमें, है एक बेटा जो शायर तो एक जुआरी है, है एक बेटा जो शायर तो एक जुआरी है। गरीब बाप हूँ जुआरी ला, जुआरी ला रहा हूँ, गरीब बाप हूँ बेटी मेरी कुंवारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है। एक मतला एक शेर देखिएगा कि कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है, अच्छा कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूँ कि मेरे पास बेगम है, मगर मैं सबसे आगे हूँ कि मेरे पास बेगम है। ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर, मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है, तुम्हारी मुस्कुराहट ही, मेरे बच्चों कोई पट्टी ना बांधो मेरे जख्मों पर, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। कोई बंदूक रखता है किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूँ कि मेरे पास बेगम है। और एक गजल के चंद शेर देखिएगा कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है, क्या बात है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसकी पोखल दुकान होती है, उसकी पोखल दुकान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, बीवी जो मेहरबान होती है, बीवी जो मेहरबान होती है, अपनी आफत में जान होती है, अपनी आफत में जान होती है, देख कर लोग जिसको डरते हैं, क्या कहें, देख कर लोग जिसको डरते हैं, वो कफन की दुकान होती अरे है, वो कफन की दुकान होती है। शेर देखिएगा, वो कफन की दुकान होती है, उसकी तौहीन तुम नहीं करना, उसकी तौहीन तुम नहीं करना, सासु भी माँ समान होती है, सासु भी माँ समान होती है, पहली तारीख को हर एक बीवी, पहली तारीख को हर एक बीवी, पूरी गुड़ की दुकान होती है, पूरी गुड़ की दुकान होती है,
तीर होती है जो जवानी में, तीर होती है जो जवानी में, बूढ़ी होकर कमान होती है। क्या कहने, वाह वाह, होकर कमान होती है। जाहिद भाई शेर देखिएगा, बूढ़ी होकर जवान होती है, सिर्फ ससुराह खान साहब नहीं, सिर्फ ससुराल खान साहब नहीं, सास भी तो पठान होती है, जो गजल भी वही दुपड़ता है, जो गजल भी वही दुपड़ता है, वो गजल आलीशान होती है, वो गजल आलीशान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है। आखिर में एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक बेरोजगार नौजवान की पुकार है ये, समाप्त कीजिएगा। कोई दामाद बना ले मुझे तैयार हूँ मैं, कोई दामाद बना ले मुझे तैयार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार कोई दामाद बना ले मुझे तैयार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं। बन देखिएगा, पैसे वाली मिले एक चांद सी प्यारी बीवी, पैसे वाली मिले एक चांद सी प्यारी बीवी, एटीएम कार्ड के जैसी हो करारी बीवी, माल का भूखा हूँ दौलत का तलबगार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, कोई दामाद बना ले मुझे तैयार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं। बंद दिखेगा, कर्ज देते हुए अहबाब भी घबराते हैं, कर्ज देते हुए अहबाब भी घबराते हैं, रिश्तेदार अब मेरे घर आने से कतराते हैं, कोई छूता ही नहीं बिजली का वो तार हूँ मैं, बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, कोई छूता ही नहीं बिजली का वो तार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं। आखिरी बंद देखिएगा, काम आया न कोई तेल न टानिक कोई, काम आया न कोई तेल न टानिक कोई, मुझको स्टार्ट न कर पाया मैकेनिक कोई, घर के आगे खड़ी बिन पहियों की कार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, कोई दामाद बना ले मुझे तैयार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार हूँ मैं, क्योंकि बेकार। शुक्रिया वहीद पाशा खादरी साहब, आपने मौजूदा दौर के हालात को अपने खूबसूरत शायरी और अपने खूबसूरत तरन्नुम के ज़रिए हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। हजरत, अब जिस शायर को मैं दावत कलाम देना जा रहा हूँ वो है शेख अहमद ज़िया साहब। आपका ताल्लुक ज़िले निज़ामबाद के बोधन से है, तंज़ मिज़ा के बेहतरीन शायर हैं, मुल्क भर में मुनक़द होने वाले मिज़ाहिया और अदबी शायरों में अपने कलाम से लोगों को महसूस करते हैं और दादो तहसीन हासिल करते हैं। नसर भी खूब लिखते हैं, आपकी तंज़ो मिज़ा पर मुश्तमिल चार नसरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं,
जिनमें जेर जेर पेश अफकार ताज़ा, वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं और मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा एक शेरी मजमा जेर तरतीब है जो बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा। आप निज़ामाबाद और बोधन की कई अदबी अंजुमनों से वाबस्ता हैं और उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत किए जा रहे हैं। आपका कहना है, बेगम को दिल का मर्ज़ है, शौहर शकर में है। बेगम को दिल का मर्ज है, शौहर शकर में है। हर डॉक्टर का रिस्क रखा उनके घर में है। अरे वाह। पूछे कोई हसीना जिया का पता अगर, पूछे कोई हसीना जिया का पता अगर, कह देना उसका आशियां शकरनगर नगर में है। बोधन जिले निजामाबाद से तशरीफ लाए जनाब शेख अहमद जिया साहब से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। शेख अहमद जिया साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, चार मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करूंगा। इरशाद, यूँ अर्ज़ किया है कि शादी के लिए झट से जो तैयार हो गया, अच्छा लगता है जिंदगी से वो बेजार हो गया। अच्छा है। और खुशबुए जुल्फे यार की क्या ताब लाएगा, सहरे के फूल सूंघ के बीमार हो गया। सहरे के फूल भी ऐसे ही हुआ था शायद। एक तजमीन सुने के जिसके दामाद बने उसको ही कंगाल किया, नक्श ससुराल में कुछ ऐसे हैं छोड़े हमने, और जब उठा घूंघटे दुल्हन तो ये मालूम हुआ, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जिसको बेगम पे जिया रोब जमाना आया, हम सब सुने के जिसको बेगम पे जिया रोब जमाना आया, समझो खारून का हाथ उसके खजाना आया। और नए मॉडल की मिली कार, नया बंगला मिला, जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया। जो नया होना था मॉडल वो पुराना आया। और एक चार मिसरे सुने के सारा दिन आज वो शॉपिंग में गुजार आई है। ब्यूटी पार्लर से बहुत खुद को संवार आई है, और घर को दफ्तर से जो लौटे तो ये मालूम हुआ, हम भी आबा में है और घर में बाहर आई है। हम भी आबा में है और घर बाहर आई है। हम भी आबा में है और घर में बाहर आई है। और एक पर्सनल तजुर्बा सुने के एक तरफ धूप है, एक तरफ छांव है। अच्छा, मैंने सोचा कौन सा ये गांव है, एक तरफ धूप है एक तरफ छांव है, मैंने सोचा कौन सा ये गांव है। और हड़बड़ा कर मैंने खोली आंख, जब देखा मेरे सर पे उसका पांव है। क्या बात है। हड़बड़ा कर मैंने खोली आंख, जब देखा मेरे सर पे उसका पांव है। और एक पांव भी गांव से गांव है। नौजवानों के लिए एक इस्लाही चार मिसरे हैं कि जब से पेंशन हुआ कर लेता हूं घर के सब काम, बच्चे सर्वेंट का खर्चा नहीं होने देते, और वॉचमैन नाइट का हूँ आज भी अपने घर का, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और चार शादियों की बात हो रही थी लतीफ भाई ने की, बम्बे साहब ने भी की, तो मैंने एक तजमीन कही है कि नहीं होती है जब पहली, निशाना चार होता है, मगर होते ही पहली आदमी बेजार होता है। ऐसा हाल क्यों पूछा तो खाजी ने कहा मुझसे, मियां ये शादियों का मरहला दुश्वार होता है। अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को, केदाना खाक में मिलकर गुजार होता है। अगर है चार की ख्वाहिश मिटा दे अपनी हस्ती को, केदाना खाक में मिलकर गुजार होता है। और एक गजल के मतलब दो शेर सुने के, रूबरू जब भी उसके जाता हूँ, रूबरू जब भी उसके जाता हूँ, देखकर उसको कपकपाता हूँ, और ठंडा करने फिर उसके गुस्से को मीर के शेर गुनगुनाता हूँ। क्या बात। ठंडा करने फिर उसके गुस्से को मीर के शेर गुनगुनाता हूँ, और मेरी दरिया दिली मिसाली है। क्या कहने, मेरी दरिया दिली मिसाली है, खुद पकाता हूँ खुद ही खाता हूँ। मेरी दरिया दिली मिसाली है, दरिया दिली के जवाब में, खुद पकाता हूँ खुद ही खाता हूँ, और मैं बचाता हूँ देश का पानी। अच्छा,
मैं बचाता हूँ देश का पानी, ईद को ईद ही नहाता हूँ। मैं बचाता हूँ देश का पानी, ईद को ईद ही नहाता हूँ, और भाग जाता है गजलें सुन सुन कर, भाग जाता है गजलें सुन सुन कर, घर से मेहमान यूं भगाता हूँ, घर से मेहमान यूं भगाता हूँ, और दाद दीजिए जिया की जरूरत पर, दाद दीजिए जिया की जरूरत पर, इस सदी में तुम्हें हंसाता हूँ, दाद दीजिए जिया की जरूरत पर, सदी में तुम्हें हंसाता हूँ, इस सदी में तुम्हें हंसाता हूँ। और एक गजल के दो चार शेर सुने के, गालिब का रंग मीर और जफर की जमीन है, गालिब का रंग मीर और जफर की जमीन है, हर शेर इस गजल का बड़ा दिल नशीन है, हर शेर इस गजल का बड़ा दिल नशीन है, और मेरी गजल नहीं है मुझे भी यकीन। अरे वाह, ये बहुत खूब कहा। मेरी गजल नहीं है मुझे भी यकीन है, और जिसने कही गजल कहीं गोशा नशीन है, जिसने कही गजल कहीं गोशा नशीन है, और कहता है सुर्ख वाइट को रेड को ग्रीन है, कहता है सुर्ख वाइट को रेड को ग्रीन है, बच्चा हमारे दौर का हमसे जहीन है, बच्चा हमारे दौर का हमसे जहीन है। और एक शेर सुने के, उर्दू में रिश्ते जोड़ने वाली है मुशाता, उर्दू में रिश्ते जोड़ने वाली है मुशाता, इंग्लिश में उसका तर्जुमा वेल्डिंग मशीन है, इंग्लिश में उसका रिश्ते जोड़ने वाली है मुशाता, इंग्लिश में उसका तर्जुमा वेल्डिंग मशीन है, और दो शायरों के बीच तनाव है दाद पर, दो शायरों के बीच तनाव है दाद पर, वजह लड़ाई जन है ना जरना जमीन है, वजह लड़ाई जन है ना जरने जमीन है, और कैसे मिलेंगे आशिको माशूक अब जिया, कैसे मिलेंगे आशिको माशूक अब जिया, जब दरमियान दोनों के दीवारें चीन है, जब दरमियान दोनों के दीवारें चीन है, निकाले भाई, दरमियान दोनों के चीन है। और एक गजल निश्चर अमरोही की जमीन में है के, जाने जाना तेरे फरमान की ऐसी तैसी, जाने जाना तेरे फरमान की ऐसी तैसी, तूने कर डाली है शैतान की ऐसी तैसी, तूने कर डाली है शैतान की ऐसी तैसी, और तेरे दालान तेरे पान की ऐसी तैसी, तेरे दालान तेरे पान की ऐसी तैसी, तेरे बदले हुए रोहजान की ऐसी तैसी, तेरे बदले हुए रोहजान की ऐसी तैसी, और सिर्फ एक झिड़की पे सर तूने मेरा तोड़ दिया, झिड़की पे सिर्फ एक झिड़की पे सर तूने मेरा तोड़ दिया, तेरे गुस्से तेरे गुलदान की ऐसी तैसी, तेरे गुस्से तेरे गुलदान की ऐसी तैसी, और तू नजर आते ही हो जाते हैं औसान खता, तू नजर आते ही हो जाते हैं औसान खता, तूने कर दी मेरे औसान की ऐसी तैसी, तूने कर दी मेरे औसान की ऐसी तैसी, और मैं हूँ किस गिनती में तू चाहे तो कर डालेगी, मैं हूँ किस गिनती में तू चाहे तो कर डालेगी, हिंद और पाक के बोहरान की ऐसी तैसी, हिंद और पाक के बोहरान की ऐसी तैसी। और मैंने यहाँ पर गालिब से एक मिसरा मुस्तार लिया के, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खुतूत, ये है सामान तो सामान की ऐसी चाय, ये है सामान तो सामान की ऐसी तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खुतूत, शेर की भी ऐसी, ये है सामान तो सामान की ऐसी तैसी, और बस चलेगा जो कभी उसका तो कर देगा जिया, बस चलेगा जो कभी उसका तो कर देगा जिया, शायरी के सभी औजान की ऐसी तैसी, शायरी के सभी औजान की ऐसी तैसी, शायरी के शोरा ऐसी बुनियाद पे शायरी कर रहे हैं ऐसी तैसी बोल के औजान जी। और तो एक मतलब और दो शेर सुन के, हमसे बेगम ने कहा जी बैठो यहाँ, बैठ गए, अच्छा है बैठना चाहिए, फरमा बरदार। हमसे बेगम ने कहा बैठो यहाँ, बैठ गए, बैठ गए, बैठना हमको कहाँ पर था कहाँ, बैठ गए, बैठना हमको कहाँ पर था कहाँ, बैठ गए। और बात पेंशन के कोई बैठ गया ठीक ही था, बात पेंशन के कोई बैठ गया ठीक ही था, ठीक ही था,
हमको हैरत है कि हम जैसे जवान बैठ गए। अच्छा हैरत बाबा बाबा पेंशन के बहुत उम्दा भाई बाबा पेंशन के कोई बैठ गया ठीक ही था। वाह 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 हमको हैरत है कि हम जैसे जवान बैठ गए। वाह वाह हमको हैरत है कि हम जैसे जवान बैठ गए और दिल ने चाहा था कि इस बार बगावत कर दें। दिल ने चाहा था कि इस बार बगावत कर दें। देखा जालिम के जो आंखों में धुआं बैठ गए। देखा जालिम के जो आंखों में धुआं बैठ गए धुआं बैठ गए और गालियां हमको भी आती थी। वही भाई सुने के गालियां हमको भी आती थी मगर क्या करते। सही बात गालियां हमको भी आती थी मगर क्या करते। उसको आती ही न थी उर्दू जबान बैठ गए। वो आती ही न थी उर्दू जबान बैठ गए। गालियां हमको भी आती थी मगर क्या करते। क्या कहने उसको आती ही न थी उर्दू जबान बैठ गए। बैठ गए और खौफ यूं बैठ गया दिल में उसके गुस्से का। खौफ यूं बैठ गया दिल में उसके गुस्से का। दूर से जू ही नजर आया मकान बैठ गए। बैठ गए दूर से जू ही नजर आया मकान बैठ गए। बैठ गए और खुद ही फिर पूछी जिया बैठे हो क्यों। हमने कहा खुद ही फिर पूछी जिया बैठे हो क्यों। हमने कहा देखकर आपके कदमों के निशान बैठ गए। बैठ गए देखकर आपके कदमों के निशान बैठ गए। हमसे बेगम ने कहा बैठो यहाँ बैठ गए। बैठ गए बैठना हमको कहाँ पर था कहाँ बैठ गए। जनाब शेख अहमद जिया साहब बहुत ही तंज मिजाज से भरपूर शायरी आपके सामने पेश कर रहे थे। अब आइए दिल थाम के बैठिए कि मेरी बारी आई। जी हाँ मेरी मुराद है मिजाह के एंग्लो इंडियन शायर जनाब फरीद सहर साहब। आप रिटायर्ड गजेटेड हेडमास्टर हैं और आपकी इंशाइये भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं और तंज़ो मिजाह से भरपूर होते हैं और मुरासले भी आप लिखते हैं और आपके मुरासलों के ज़रिए कारेन के कान खड़े हो जाते हैं। आपके दो नसरी मजमे और चार शेरी मजमे मंजर आम पर आ चुके हैं। एक और शेरी मजमा खुरसे मिजा बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है। आपका कहना है कि अशार मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं। अशार मेरे यूं तो हंसाने के लिए हैं कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं। क्या कहें मुमकिन नहीं है शेर पे तुम दाद मुझको दो। मुमकिन नहीं है शेर पे तुम दाद मुझको दो कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं। तो तालियां बजाइए हमारे इस शायर के लिए। शहर के मुमताज शायर हैं जनाबे फरीद सहर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद कमल साहब। आपकी निजामत में गालिबन ये 10वां मरतबा जो मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ और आपकी शुक्र गुजार हूँ। सबसे पहले एक खता आपकी नजर कर रहा हूँ। इरशाद नवाजिश। मैं भी एक उस्ताद शायर हूँ मियाँ। अरे वाह अरे वाह। मैं भी एक उस्ताद शायर हूँ मियाँ बेबहर पढ़ने में माहिर हूँ मियाँ। मैं भी एक उस्ताद शायर हूँ मियाँ अब बेबहर पढ़ने में माहिर हूँ मियाँ। चाहे जितने शेर पढ़वा लीजिए चाहे जितने शेर पढ़वा लीजिए आपकी महफिल में हाजिर हूँ मियाँ। आपकी महफिल में हाजिर शुक्रिया आपकी महफिल में हाजिर हूँ। एक मेरा तारुफ और फरमाए इरशाद मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं। अच्छा मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं। अरे वाह मुझको सिखा सके किसी में भी दम नहीं मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं। सपनों में दाद मीर से मैंने जो ली सहर सपनों में दाद मीर से मैंने जो ली सहर मोहताज अब किसी का भी मेरा कलम नहीं। मोहताज अब किसी का भी मेरा कलम नहीं। मोहताज अब किसी का भी मेरा कलम नहीं। और एक मिजाहिया खता देखिए कि शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश ही मेरी। शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश ही मेरी मिल जाए मुझको अच्छी सी दुल्हन खुदा करे। हमारी भी यही ख्वाहिश थी। शादी से पहले रहती थी ख्वाहिश ही मेरी मिल जाए मुझको अच्छी सी दुल्हन खुदा करे लेकिन मैं गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ अब। लेकिन मैं गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ अब मिल जाए मेरी बीवी को सौतन खुदा करे। आमीन। मिल जाए मेरी बीवी को सौतन खुदा करे। मोइन भाई अक्सर करते रहते हैं। मिल जाए मेरी बीवी को सौतन खुदा करे। और खता देखिए कि मेरी काश उनसे
सगाई न होती। अच्छा। मेरी काश उनसे सगाई न होती, ये हर रोज घर में लड़ाई न होती। अच्छा। मेरी काश उनसे सगाई न होती, ये हर रोज घर में लड़ाई न होती। अच्छा। मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं। अरे अच्छा। मुझे इडियट अब वो कहने लगे हैं, उन्हें काश इंग्लिश सिखाई ना होती। उन्हें काश इंग्लिश सिखाई खाना पकाना सिखाना चाहिए ना होती। और एक खता पस मंजर में देखिए कि क्रिकेट में बैट बॉल की है अहमियत बहुत। अच्छा। क्रिकेट में बैट बॉल की है अहमियत बहुत, और वॉलीबॉल के लिए एक नेट जरूर हो। क्रिकेट में बैट बॉल की है अहमियत बहुत, और वॉलीबॉल के लिए एक नेट जरूर हो। शादी से पहले इतनी जरूरी नहीं मगर शादी से पहले इतनी जरूरी नहीं मगर शादी के बाद घर पे तो हेलमेट जरूर हो। शादी के बाद घर में तो हेलमेट जरूर हो। बाहर पुलिस से बचना, घर में बीवी से बचना है क्या? शादी के बाद घर में तो हेलमेट जरूर हो। चिकनी अंडी पे चिका वो का कलर कर ले रहे हैं, कलर के निकल जा रहे हैं। आप हेलमेट रख रहे हैं, हम लोग कहाँ जाना भाई? हजरा देखिए के बदल मेरे यहाँ कैसे होती है। वो अगर पास बुलाए तो गजल होती है। अच्छा। तो अगर पास बुलाए तो गजल होती है, या कभी ख्वाब में आए तो गजल होती है। वो अगर पास बुलाए तो गजल होती है, या कभी ख्वाब में आए तो गजल होती है। और एक मतलब देखिए कि माल मायके से वो लाए गजल होती है। माल मायके से वो लाए तो गजल होती है, और वही घर को चलाएं तो गजल होती है। माल मायके से वो लाएं तो गजल होती है, और वही घर को चलाएं तो गजल होती है। आखिर मतलब चलाएंगे तो आपको वक्त मिलेगा तो गजल लिखेंगे ना। शायरी वैसे मेरी खास नहीं फिर भी सहर। शायरी वैसे मेरी खास नहीं फिर भी सहर, दूरदर्शन पे बुलाएं तो गजल होती है। वाह वाह, बहुत दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं। फिर बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह, फिर बुलाएंगे जनाब। दूरी पे बुलाएं तो गजल होती है। वाह वाह, एक दो मतलब एक शेर देखिए। मैं किसी को मशवरे देता नहीं। नहीं देना, बहुत अच्छा। मैं किसी को मशवरे देता नहीं, बहुत अच्छी बात। मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं। मैं किसी को मशवरे देता नहीं, मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं। और शेर देखिए कि बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या। मैं किसी के बाप से डरता नहीं। अच्छा है, वाह वाह, ऐसा नहीं डरता। बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, कर लेते। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। और शेर देखिए कि मखता है, फख्र मुझको अपने सर पर है शहर। फख्र मुझको अपने सर पर है शहर, वो किसी के सामने झुकता नहीं। अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह। फख्र अपने सर पे मुझको है सर, वो किसी के सामने झुकता नहीं। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह वाह, सामने झुकता नहीं। और एक ताजा खिता देखिए कि हर किसी से दोस्ती अच्छी नहीं। अच्छा। हर किसी से दोस्ती अच्छी नहीं, भाई से भी दुश्मनी अच्छी नहीं। अच्छी नहीं, हर किसी से दोस्ती अच्छी नहीं, भाई से भी दुश्मनी अच्छी नहीं। तार मीटर में लगाना है गलत। ये सही। तार मीटर में लगाना है गलत। मोइन भाई सुन लो आप, तार मीटर में लगाना है गलत। मुफ्त की ये रोशनी अच्छी नहीं। ये रोशनी अच्छी, हर किसी से दोस्ती अच्छी नहीं, भाई से भी दुश्मनी अच्छी नहीं। कल अजब एक मियाँ कमाल हुआ। अच्छा। कल अजब एक मियाँ कमाल हुआ, दिन में सोया तो एक वबाल हुआ। कल अजब एक मियाँ कमाल हुआ, दिन में सोया तो एक वबाल हुआ। ख्वाब ऐसा सहर पड़ा मुझको, ख्वाब ऐसा सहर पड़ा मुझको, नींद में मेरा इंतकाल हुआ। कल अजब एक मियाँ कमाल हुआ, उम्र तवील हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल अजब एक मियाँ कमाल हुआ, दिन में सोया तो एक वबाल हुआ। ख्वाब ऐसा सहर पड़ा मुझको, ख्वाब ऐसा सहर पड़ा मुझको, नींद में मेरा इंतकाल हुआ। नींद में मेरा इंतकाल हुआ, भी नहीं बोल सकते, ख्वाब का मामला है। और हजरत तीन दकनी मतलब समझ फरमाए, इनके उनके शेरां पढ़ता हूं। अच्छा, क्या कर लेते वो? हाँ, नहीं कुछ नहीं करते। इनके उनके शेरा पढ़ता हूँ, क्या कर लेते हैं बोलो। सबका भी कुछ नहीं कर रहे हम लोग, आपका भी कुछ नहीं कर रहे। इनके उनके शेरा पढ़ता हूँ, क्या कर लेते हैं बोलो। क्या कर लेते बोलो, महफिल को मैं लूट लेता हूँ। क्या कर लेते बोलो, क्या कर लेते बोलो,
इनके उनके शरा पर तुम क्या कर लेते बोलो, महफिल को मैं लूट लेता हूँ क्या कर लेते बोलो, क्या कर लेते महफिल को मैं लूट लेता हूँ क्या कर लेते बोलो। और मतलब देखिए कि पीता हूँ खाता हूँ ऐश करता हूँ क्या कर लेते बोलो, क्या कर सकते खाता हूँ ऐश करता हूँ क्या कर लेते बोलो, बहनों का हक मार को जीता कर लेते बोलो। अच्छा है भाई, तन बेहतरीन तन है, ऐश करता हूँ वाह वाह, बहनों का हक मार को जीता हूँ वाह वाह, अरे वाह बहनों का हक मार को, आज जोहरा से सही अक्कासी की आपने वाह 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 वाह, बेहतरीन तंज है, फोन पर सारी रात रहता हूँ क्या कर लेते बोलो, वाह फोन पर सारी रात रहता हूँ क्या कर लेते बोलो, 12 बजे तक दिन में सोता हूँ क्या कर लेते बोलो, कुछ भी नहीं, फोन पर सारी रात रहता हूँ क्या कर लेते बोलो, 12 बजे तक दिन में सोता हूँ क्या कर लेते बोलो। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, एंग्लो दखनी गजल है, आपने फरमाया कि दखनी शायर एंग्लो दखनी शायर, मतलब पेश कर रहा हूँ, सच बोले तो आंग पुआरे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अरे वाह, सच बोले तो आंग पुआरे व्हाट इज दिस, और झूठों को सिर पर बिठा रहे क्या है ये, व्हाट इज दिस, सच बोले तो आंग पुआरे व्हाट इज दिस, और झूठों को सिर पर बिठा रहे व्हाट इज दिस, और एक मतलब देखिए कि खर्जे ले रहे और डुबा रहे व्हाट इज दिस, खर्जे ले रहे और डुबा रहे, खर्जे ले रहे और डुबा रहे व्हाट इज दिस, शान से फिर को हंसकु जा रहे वाह वाह वाह, व्हाट इज दिस, खर्जे ले रहे और डुबा रहे क्या कहने, वाह 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 वाह, शान से फिर को हंसकु जा रहे वाह वाह, व्हाट इज दिस, शान से फिर को हंसकु जा रहे व्हाट इज दिस, और शेर देखिए के कमल साहब जी इरशाद, साले अफसर बन को नखरे कर रहे हैं अब, साले अफसर बन को नखरे कर रहे हैं अब, भौनी से ही रिश्वत खा रहे, अरे व्हाट इज दिस, सालों के साले अफसर बन को नखरे कर रहे हैं अब, भौनी से ही रिश्वत खा रहे, व्हाट इज दिस, क्या देखे के उल्टे सीधे बातें सुन को जोरू के, अच्छा उल्टे सीधे बातें सुन को जोरू के, अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रहे, व्हाट इज दिस, गलत है गलत, अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रहे गलत गलत, व्हाट इज दिस, और शेर पे तवज्जो चाहता हूं, इतना चुमटी क्या काटी की डॉक्टर साहब, इतना इतना चुमटी क्या काटी की डॉक्टर साहब, नहीं नहीं सो तुम टेस्टा करा रहे, व्हाट इज दिस, क्या कहने क्या कहने, इतना चुमटी क्या काटी की डॉक्टर साहब, नहीं नहीं सो तुम टेस्टा करा रहे, व्हाट इज दिस, और आखिरी शेर चुमटी कौन सी वो मालूम करना, पाशा का देख नजर कर रहा हूं इरशाद, नहीं वो चुमटी कौन सी थी जो इतने टेस्ट करवाने लगे, वो बोलो बोलो मोटी वही पाशा खादरी इंटरनेशनल फैमिली शायर जी, उर्दू के तुम इतने बड़े शायर हो को, अब तुम भी फोन करो मेरे को, उर्दू को तुम इतने बड़े शायर हो को, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रही, व्हाट इज दिस, उर्दू के तुम इतने बड़े शायर हो को, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रही, व्हाट इज दिस, मख्ता ये बर्दाश्त कर लीजिए, आप तमाम की समातों को सलाम, दिन में डट को कामा शहर से लेते हैं तुम, दिन में डट को कामा शहर से लेते हैं तुम, डिनर पे अब ठेंगा दिखा रहे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या बात, व्हाट इज दिस, डिनर पे अब ठेंगा दिखा रहे, व्हाट इज दिस, सच बोले तो आंग पो आ रहे, व्हाट इज दिस, वाह वाह, और झूठों को सिर पे बिठा रहे, व्हाट इज दिस, शुक्रिया, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, ये थे जनाब फरीद शहर साहब, बहुत खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे, एंग्लो इंडियन शायर भी हैं और बेहतरीन नसर निगार भी हैं, नसर भी खूब लिखते हैं और शायरी भी खूब करते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये बिज़ाहिया मुशायरा हम यहीं ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी राय से हमें ज़रूर मुतला करें ताकि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम आपकी खिदमत पे पेश करते रहें। तो मैं और अपनी तमाम शोरा के साथ आप तमाम से इजाज़त लेना चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। आदाब हैदराबाद।